असलम स्टूडेंट होप यू आर फाइन टूडे वी स्टार्ट मैथ्स वर्क ऑफ ग्रेड थ्री वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स आवर टॉपिक इज टाइम वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रीड टाइम ऑन क्लॉक्स क्लॉक्स के ऊपर टाइम हम ऑलरेडी क्लास टू में कर चुके हैं जिसमें और मिनट्स फाइंड करने होते थे अब आगे इससे ऑनवर्ड हम करते हैं लेटर्स री कॉल रीकॉल में आपको टाइम की बने डिफरेंट वॉचिज और क्लॉक्स के बने वॉच वो होती हैं जो आप रेस्ट पर बांधते हैं और क्लॉक जो है वह वॉल पर लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइम शोन ऑन दीज वॉच एंड क्लॉक्स फर्स्ट इज जो ये आपकी शॉर्ट हैंड है दिस इज़ कॉल्ड और हैंड लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड लॉन्ग हैंड मिनट्स बताती है और शॉर्ट हैंड और बताती है अब ये शॉर्ट हैंड फोर पे और लॉन्ग हैंड ट्वेल्थ पे जब भी लॉन्ग हैंड ट्वेल्थ पे होगी मिनट्स बता बताएगी तो ये शॉर्ट हैंड वाला और हो रहा होगा दिस इज़ फोर ओ क्लॉक यहाँ पर शॉर्ट हैंड जो और हैंड है वो सेवन पे और लॉन्ग हैंड ट्वेल्थ पे सेवन ओ क्लॉक यहाँ पे और हैंड एट पे दिस इज़ एट ओ क्लॉक एंड लास्ट वन इज़ नाइन ओ क्लॉक सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन टाइम जो गिवन है टू थर्टी आपने हैंड्स ड्रॉ करने हैं फर्स्ट पे हैंड ड्रॉ हुआ है टू टू और थ्री के सेंटर में होता है जब भी हाफ पास्ट हो जाते हैं टू और थ्री के सेंटर में और लॉन्ग हैंड सिक्स पे तो सिक्स पे थर्टी मिनट्स हुए होते हैं इसमें फ़ाइव का टेबल होता है पूरे क्लॉक में ट्वेल्व पे सिक्सटी मिनट्स होते हैं वन पे ट्वेल्व टू वन फाइव मिनट्स फाइव से वन uh, से टू तक टेन मिनट्स थ्री पे फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड थर्टी मिनट्स यहाँ से यहाँ तक हाफ आवर पास होता है तो टू थर्टी हुए हैं, नेक्स्ट है हाफ पास ट्वेल्व इट मीन्स ट्वेल्फ थर्टी हाफ पास्ट इसको वर्ड्स में कहते हैं हाफ पास्ट और वैसे ट्वेल्व थर्टी राइट करते हैं ट्वेल्फ शॉर्ट हैंड ट्वेल्व और वन के सेंटर में होंगी और लॉन्ग हैंड थर्टी मिनट से वो सिक्स पर होता है नेक्स्ट इज नाइन थर्टी नाइन जब हाफ पास्ट गुजर जाता है तो वो नाइन और टेन के सेंटर में होती है शॉर्ट हैंड और हैंड भी कहते हैं इसे और लॉन्ग हैंड सिक्स सिक्स पे थर्टी मिनट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द और हैंड फर्स्ट और हैंड को फर्स्ट रीड करना है देन रीड द मिनट हैंड राइट द टाइम और हैंड फर्स्ट पे क्या शो करिए थ्री और फोर के सेंटर में मींस थ्री और सिक्स पे तो सिक्स पे मिनट uh, हैंड जो है वो थर्टी मिनट्स होते हैं यहाँ पर जो है थ्री थर्टी थ्री थर्टी सेकेंड में एट और नाइन के सेंटर में और हैंड तो एट पे ऐट आवर्स थर्टी मिनट्स लास्ट में फोर और फाइव के सेंटर में और हैं तो फोर आवर्स थर्टी मिनट्स नेक्स्ट पेज वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री ड्रा हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन जो तो टाइम गिवन है वो वर्ड्स में भी गिवन है और डिजिट्स में भी गिवन है फिगर्स में भी उसको केयरफुली रीड करना और फिर इधर आपने हैंड्स ड्रॉ करने मिनट हैंड और और हैंड फर्स्ट पे टू फिफ्टीन है टू फिफ्टीन मीन्स टू और हैंड जो वो वह टू पर होगी और फिफ्टीन मिनट्स है तो फिफ्टीन जो वो 15 है वो थ्री पे फिफ्टीन मिनट्स होते हैं क्वार्टर पास टू इसको क्वार्टर पास टू भी कहते हैं थ्री पे क्वार्टर पास्ट कहते हैं और नाइन पे जाती है तो क्वार्टर टू यहाँ पे सेवन और एट के सेंटर में है और मिनट हैंड नाइन पे नाइन पे जब भी होता है तो फोटी फाइव मिनट्स हुए होते हैं फाइव नाइन से फोटी फाइव और एट ओ क्लाक में अभी फिफ्टीन मिनट्स रहते हैं तो हम राइट करेंगे जब फिगर्स में राइट करेंगे तो सेवन फोर्टी फाइव राइट करेंगे और वर्ड्स में राइट करेंगे तो वो क्वार्टर टू एट एट ओ क्लाक में क्वार्टर मिनट्स है क्वार्टर मीनस फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन क्वार्टर पास थ्री शॉर्ट हैंड भी थ्री पे हो गए और लॉन्ग हैंड भी थ्री पे हो गए थ्री फिफ्टीन फाइव फोर्टी फाइव क्वार्टर टू 12, ट्वेल्व ओ क्लाक में फिफ्टीन मिनट्स रहते हैं इलेवन फोटी फाइव में शॉर्ट हैंड 11 और है. 12 के सेंटर में होगी फोर्टी फाइव ट्वेल्व ओ क्लाक में अभी फिफ्टीन मिनट्स रहते हैं तो ये डू ऑल क्वेश्चन लुक एट द दर एंड द मिनट हैंड राइट द टाइम अब यहाँ पर आपने और मिनट हैंड्स को चेक करना है और टाइम राइट करना है बोथ वे में वर्ड्स में, में भी राइट करना है और फिगर्स में भी यहाँ सिक्स फिफ्टीन हुए हैं तो फिगर्स में राइट करेंगे सिक्स फिफ्टीन और वर्ड्स में राइट करेंगे क्वार्टर पास्ट 15. नेक्स्ट इज़ और हैंड 10 और 9 के सेंटर में और आ, मिनट हैंड 9 पे तो ये नाइन फोर्टी और वर्ड्स में राइट करेंगे क्वार्टर टू 10. टेन ओ में क्वार्टर मिनट्स रहते हैं सो ऑल क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक एनालॉग क्लॉक होते हैं जिसपे नंबर्स राइट हुए होते हैं और आपके डिफरेंट बोथ हैंड्स ड्रॉ हुए होते हैं शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो मिनट्स और आवर्स को मेजर करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉक इज़ डिजिटल क्लॉक डिजिटल क्लॉक में जस्ट आपके डिजिट्स राइट हुए होते हैं इसमें कोई भी निडल ड्रॉ नहीं हुई हुई थी कोई भी हैंड्स ड्रॉ नहीं हुए होते हैं. ऑन एनालॉग क्लॉक द नंबर वन टू टिटर्न ऑन अ डायल इस डायल के ऊपर वन से ट्वेल्व तक नंबर राइट हो जाते हैं एनालॉग क्लॉक पे कॉमनली एन एनालॉग क्लॉक हैज़ अ सर्कुलर फेस नॉर्मली जो एनालॉग क्लॉक है वो सर्कुलर फेस में होती है सर्कल में होती है इट हैज टू हैंड्स इसके टू हैंड्स होते हैं द शॉर्टर वन शोज़ और जो छोटा होता है वो और मैंशन करता है एंड द लॉन्गर वन शोज़ मिनट और जो लॉन्ग नीडल होती है वो मिनट्स को मैयर करती है अ डिजिटल क्लॉक हैज़ डिजिट टू टेल द टाइम डिजिटल क्लाक में इस तरह डिजिट्स राइट हुए होते हैं जैसे हमने बैक पर भी किया है फिगर्स में राइट करना जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो आर्स को मेन्शन करते हैं और जो सेकेंड है वो मिनट्स को अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम और डे वन डे हेज़ ट्वेंटी फोर आवर्स एक दिन में कितने uh, कितने घंटे होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं जिसमें से 24 का अगर हाफ करें तो 12 होता है 12 आवर्स एम है और 12 आवर्स पी एम है 12 जो है वो दिन के होते हैं और 12 नाइट के होते हैं ये 12 आवर्स कब स्टार्ट होते हैं रात के 12 बजे 12 मिडनाइट 12 मिडनाइट से जो दोपहर के 12 होते हैं उस तक ये 12 इसको एम कहते हैं और उसके बाद जो 12 ओ क्लाक दोपहर से स्टार्ट होता है आफ्टरनून का वो और रात के बारह बजे तक टम होता है जो एग्जैक्ट ट्वेल्व ओ क्लाक होता है दोपहर में उसको ट्वेल्व नून कहते हैं और रात का जो होता है उसको ट्वेल्व मिड नाइट कहते हैं फुल ये जो वन डे वन डे हैज़ ट्वेंटी फोर आवर्स ए एम स्टैंड फ़ॉर एंटी मेरीडियम ए फॉर एंटी एम फॉर मेरीडियम पी एम स्टैंड फॉर पोस्ट मेरीडियम द टाइम बिटवीन टवेल्व मिड नाइट एंड ट्वेल्व नून इज़ कॉल्ड एम यहाँ से यहाँ तक एम कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक दिस ट्वेल्व नून से ट्वेल्व मिड नाइट तक पी एम रिमेंबर दिस टर्म्स एंड लर्न ऑल थिंग्स केयरफुली अल्लाह हाफिज़